सो ये जो वीडियो है मेरा, ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। जी हाँ, इस वीडियो का एक्चुअल में ये थर्ड पार्ट है। यही वो वीडियो है जिसके चलते आप मानोगे नहीं, मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था। ये 2 साल पहले यही वो टेक्निकल एरर था जिसके चलते मेरे को इतनी ज़्यादा परेशानी हुई थी, और मैंने किस किस से बात नहीं करी थी, बट किसी को भी इस एरर के बारे में नहीं पता था। लोगों को 10 10 15 15 साल, 25 25 साल हो गए इनफैक्ट सीएच लाइन में काम करते हुए, उन्होंने इस एरर के बारे में नहीं सुना था। और मेरे को इतनी ज़्यादा परेशानी हुई थी इस एरर को रिजॉल्व करने में। तो इसी नॉलेज को शेयर करने के लिए, फर्दर दूसरे लोगों के साथ बांटने के लिए मैंने इस चैनल की शुरुआत करी थी। ये जो एरर था, ये इतना ही ज़्यादा खतरनाक था ना। ये एक्चुअल में एरर उन लोगों के साथ आता है जो नए जिन्होंने नया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिया हो, या जिन्होंने नया आईसी कोड लिया हो, और अब तक कोई भी जिनकी पहली शिपमेंट भी अब तक नहीं हुई है, ये जनरली पहली शिपमेंट में ही ये एरर आता है। क्योंकि ये एरर के चलते आप कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, कोई भी शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होता इस एरर के चलते। इनिशियल लेवल में ये किसी किसी के साथ एरर आता है, और मेरे टाइम में तो मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने किस किस से नहीं पूछा था। मेरे सीएचए कॉन्टैक्ट में जितने लोग थे, जितनों को मैं जानता था, मैंने सबसे पूछा था। किसी को भी इस बारे में कोई भी कोई भी श्योर शॉट आंसर नहीं था। इनफैक्ट लोगों ने तो इस एरर के बारे में सुना ही नहीं था कि एक्चुअल में ऐसा एरर होता भी है। और उसके बाद कहाँ कहाँ मैंने नहीं ढूंढा, किस किस से मैंने बात नहीं की, बट कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फिर हमारे गूगल बाबा के पास गया मैंने, गूगल बाबा में टाइप किया कि ये क्या एरर है। तो फिर बाद में मेरे को पता लगा कि DGFT की वेबसाइट में तो ना जाने कितने ही लोगों ने, मैंने लिस्ट देखी, पूरी की पूरी लिस्ट लगी हुई थी वहाँ पे, ना जाने कितने ही लोगों ने ये कमेंट किया हुआ था कि अगर आप लोगों को इस एरर के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ मेरे को बताइए। उन्होंने अपना नंबर छोड़ा हुआ था। तो कितने लोगों को ये परेशानी आई थी, मे बी शायद उनमें से कुछ लोगों ने रिजॉल्व कर दिया होगा, बट किसी ने, आपको पता है कि एक बार रिजॉल्व हो जाता तो कोई इतना टेंशन नहीं लेता कि वापस जाके मैं लिख दूँ कि हाँ भाई मैंने रिजॉल्व कर लिया है और आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैंने इसी को चलते मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था कि जिस दिन मैं ये एरर को रिजॉल्व कर लूँगा ना, तो मैं पहला वीडियो इस एरर के ऊपर ही बनाऊँगा। और उसी के चलते मैंने ये वीडियो बनाया था। आप मानोगे नहीं कि मैं GST हेल्प डेस्क, आइसगेट हेल्प डेस्क, इनको मैंने कितने कॉल किए थे और कितने मेल नहीं किए थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आइसगेट वाले बोलते थे कि ये GST की प्रॉब्लम है, GST वाले बोलते थे कि आइसगेट की प्रॉब्लम है। तो दोनों एक दूसरे के कोर्ट में बॉल मारते रहते थे। तो परेशान कौन हो रहे थे? हम हो रहे थे। तो अगर ये एरर आता है, आपने कोई नया आईसी लिया है, अभी आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करने वाले हैं, तो अगर आपका ये एरर आया ना एक्सपोर्ट के केस में, एक्सपोर्ट के केस में तो आप एक बार के लिए बच जाएंगे क्योंकि आपका माल आपके पास रहता है। इम्पोर्ट के केस में क्या होता है कि अगर आपने इम्पोर्ट मंगवा लिया और आपके वो एयरपोर्ट पे या टिकेटी पोर्ट या कहीं भी किसी भी ट्राई पोर्ट पे या सी पोर्ट पे आ गया, और फिर पेपर फाइलिंग के टाइम पे पता लगा कि ये एरर है, तो बस गया। आपको पता है कि पहले 24 घंटे के अंदर अगर आपने पेपर फाइल नहीं किया तो आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी लगती है, पहले 3 दिन तक, उसके बाद 10,000 रुपये की, और फिर तो पता नहीं कितने की लग। पहले इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए ना एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर था, वो इस वीडियो में अगर आपको जाके देखना है तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा प्रोसीजर था इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए। GST पोर्टल में जाना, फिर नॉन कोर में जाना, फिर अमेंडमेंट में जाना, फिर अमेंडमेंट करना, फिर टिकट ट्रेस करना, फिर फॉलो अप करना, काफ़ी लंबा प्रोसीजर था। तो उस अभी और इस प्रोसीजर को अब इतना छोटा कर दिया है। अभी रिसेंटली मेरे को पता लगा कि इन्होंने यानी आइस गेट वालों ने अपने आइस गेट के होम पेज पे एक अलग से एक सेक्शन दिया है सिर्फ इसी एरर को रिजॉल्व करने के लिए। और भाई साहब, ये देख के मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैंने तो उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि इस पर तो नेक्स्ट वीडियो बनना ही बनना है। तो एक्चुअल में जो एरर है ना, एरर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, GST पैन नॉट मैचिंग विथ IC पैन। बड़ा भयंकर, बस इतना सा एरर होता है। इसके चलते ना आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है, ना ही आपका शिपिंग बिल फाइल होता है। तो इसको कैसे रिजॉल्व, इसको आप कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आप कोई भी नया आईसी लेते हैं, कि उसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं कि वो आइसगेट के साथ लिंक है कि नहीं है? मैं तो कहूँगा कि आप हर बारी जब भी आईसी लें, तो कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन करने से पहले आप अपने आईसी को आइसगेट के साथ जरूर क्रॉस चेक करें, और एक बार देख लें कि दोनों आपस में लिंक है कि नहीं है। पहले का प्रोसीजर आपको जाके देखना है तो वैसे भी वो वीडियो अब ऑब्सलीट हो गया, किसी काम का नहीं है, क्योंकि एकदम सिंगल स्टेप में आप काम हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं सीधा आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, और मैं बताता हूँ आप कैसे 2 मिनट में आज की डेट में इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आप कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, और अगर आपका नहीं दिखा रहा है तो आप जाके उसको लिंक कर सकते हैं। बताता हूँ कि आपको अपना जो नया आईसी है, अगर आपने नया आईसी लिया है, तो उसको क्रॉस चेक कैसे करना है कि वो आइस गेट के साथ लिंक है कि नहीं है। सबसे पहले ऑब्वियसली आइस गेट खोलना है, इसको हटा देंगे। आइस गेट में आपको ये जो होम पेज है, इसमें नीचे जाना है कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर में, ये दिख रहा है आपको कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर, यहाँ जाना है, कैप्चा डालना है आपको,
ठीक है, यहाँ जाने के बाद आपको जाना है GST IN इंक्वायरी, देख रहे हैं ये है GST IN इंक्वायरी, देख GST नंबर को आपके चेक करने के साथ, चेक करने के लिए कि वो SGT के साथ लिंक है कि नहीं है। यहाँ पे अपना GST नंबर डाल देना है, जो भी आपका GST नंबर है। देखिए ऐसे करके आएगा आपका, अगर आपका GST लिंक है ऑलरेडी तो आपको इससे आगे देखने की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है जानने का कि इसको दोबारा मैनुअली लिंक कैसे करते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ आएगा आपका, आपका GST नंबर साथ में कंपनी का नाम, इज़ अवेलेबल विद कस्टम्स। और इन केस नहीं लिखा हुआ आता तो देखिए मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ आएगा आपका। इन केस नहीं होता आपका SGT के साथ लिंक तो देखिए क्या आएगा लिखा हुआ, ये आएगा आपका GST नंबर आएगा, इज़ नॉट अवेलेबल विद कस्टम्स लिखा हुआ आएगा रेड कलर में। तो ये है आपका, अगर आपका IC नंबर GST SGT के साथ लिंक नहीं है। मैं अब आपको ये बताता हूँ कि आपको अगर आपका SGT के साथ लिंक नहीं है, जो कि आपने देख ही लिया है, तो उसको लिंक कैसे करना है। तो वही सेम अपने को SGT के होम पेज पे आना है, थोड़ा सा नीचे करना है, और ये देखिए एकदम शुरू में टॉप में ही आपको दिख जाएगा IC GST IN इंटीग्रेशन। दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए एक सिंगल टैब इन्होंने दे दिया है। हाँ यार, हमारे टाइम में भी दे थे, मेरा 14 दिन बर्बाद हो गया था, कहाँ कहाँ के चक्कर मेरे नहीं लगे थे। तो यहाँ पे जाना है अपने को, देखिए यहाँ पे अपना GST नंबर डालना है, यहाँ पे कैप्चा डालना है, और अपने को सीधा सबमिट कर देना। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, जो कि इस वीडियो को बनाते बनाते ही मेरे पास कॉल आया था और मैंने किया था, तो मैंने एट द सेम टाइम स्क्रीन में रिकॉर्ड कर लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से किया था और क्या लिखा हुआ आता है जब आप उसको इंटीग्रेट करते हैं। ये देखिए ये ऐसे करके यहाँ पे पहले मैं कैप्चा डाल रहा हूँ, वैसे आप पहले GST नंबर भी डाल सकते हैं, कैप्चा डालेंगे। एक्चुअली 35 हो गया था मेरे से, कैप्चा डालने के बाद हम GST नंबर डालेंगे। GST नंबर यहाँ पे अपना GST नंबर डालना है हमको, जो कि आपका GST नंबर है। GST नंबर डाल दिया, कैप्चा डाल दिया, सबमिट करेंगे हम इसको। ये GST नंबर डालना, कैप्चर डालना, सबमिट करना, और देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया आपका कि इंटीग्रेशन डन, प्लीज वेट फॉर अनदर 24 आवर्स टू इट गेट इट डन। तो दोस्तों ये वो तरीका था जिससे आप बड़े ही इजीली, बहुत ही कन्वीनियंटली, एक ही स्टेप में अपने GST नंबर को SGT के साथ लिंक करा सकते हैं और अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि इस अपने IC को IceGate के साथ या कस्टम्स के साथ कैसे लिंक करना है। इन केस वो लिंक नहीं होता है ऑटोमेटिकली, वैसे तो जनरली वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है, बट किसी किसी केस में 1 से 5% के केसेस में वो नहीं लिंक होता है। तो आप जाके मैनुअली उसको चेक भी कर सकते हैं, एक बारी मैं तो कहूँगा कि क्रॉस चेक कर लीजिए। और इन केस वो नहीं लिंक होता है तो आप ऐसे करके उसको लिंक कर सकते हैं, जो मैंने प्रोसीजर वीडियो में बताया वैसे उस तरीके से। सो आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने उन दोस्तों के साथ बांट सकते हैं जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या करने का सोच रहे हैं, ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना आए आगे फ्यूचर में, वो कभी भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करे तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिलेटेड टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस टेक्निकल जो होता है वो सारा मैं लेके आता रहता हूँ इस चैनल पर। तो थैंक यू सो मच, बाय।